नमस्कार, ऐसे हैं सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि वो सोने की चिड़िया थी और इस मिट्टी से सोना निकलता है, हीरे मोती निकलते हैं। और अगर आप सोचें कि राजस्थान के शुष्क वातावरण में अगर मोती निकलते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये सीकर ज़िले के खाटू श्याम जी से 15 किलोमीटर दूर गांव है बाएँ। बाएँ में एक जुनूनी व्यक्ति है, विनोद भारती, जिन्होंने मोती का उत्पादन करके लोगों को चौंका दिया है। पहले राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मोती का उत्पादन किया। यहाँ पर उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें वो हज़ारों मोती उत्पादन करेंगे। फिलहाल उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा तालाब बना रखा है जिसमें सालाना 1000 मोती का वो उत्पादन करते हैं। मैं उनके घर आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो आप तालाब वगैरह देख रहे हैं, ये मोती उत्पादन का एक बड़ा प्रोजेक्ट वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, इसका कार्य चल रहा है। और मैंने विनोद जी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में, क्योंकि मोती का उत्पादन ठंड में होता है, समुद्र में होता है, सीप जो है वो राजस्थान में ज़िंदा नहीं रहती, लेकिन उसके लिए पर्याप्त वातावरण और केमिकल्स अगर बनाए जाएँ, उसको दिए जाएँ, तो उसको ज़िंदा रखा जा सकता है और मोती का उत्पादन किया जा सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे विनोद भारती मोतियों का उत्पादन करके राजस्थान की इस मिट्टी को झूठा साबित करें कि राजस्थान में मोती नहीं उपज सकते। मित्रों, मैं एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जिस पर आप शायद विश्वास नहीं करें। राजस्थान में सीकर ज़िले में मोती का उत्पादन होता है और ये अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। और राजस्थान में पहला ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति मेरे सामने इस समय आप देख रहे हैं, ये विनोद जी कुमावत है जो मोती उत्पादन करते हैं। जैसा मैंने गाने में बताया था कि हमारे देश में कहा जाता है कि सोना चांदी हीरे मोती सब उपजते हैं, ये ऐसी धरती है देश की। और ये आप देख रहे हैं, ये विनोद जी बता रहे हैं, इन्होंने 10x5 का एक ये पौंड बना रखा है, एक तालाब बना रखा है जिसमें ये देखिए, ये सीप है, ये देखिए इनमें मोती निकलते हैं। ये देखिए विनोद जी आपको बता रहे हैं, और ऐसा काम आप भी कर सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। और विनोद जी ने इसका पूरा प्रशिक्षण लिया है, और ये खाटू श्याम जी से 15 किलोमीटर दूर गांव है बाएँ, वहाँ पर ये मोती उत्पादन करते हैं, मोती की खेती करते हैं। ये सीप आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनमें से मोती निकलते हैं। और पिछले 4 वर्षों से लगातार विनोद जी कुमावत ये मोती उत्पादन कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे हम कैसे सीप से मोती निकलता है। ये देखिए, ये बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है, और मोती बहुत चमकदार होता है, आपको पता भी है। ऐसे आपको विनोद भारती कहा जाता है। ये भोजन का पानी है, और ये जिस इस बर्तन में आप देख रहे हैं, ये भोजन का पानी है सीप के लिए। ये इसमें इसको एल्गी बोलता है, एल्गी मिक्स होता है, ये एल्गी मिक्स पानी है ये। इसमें एल्गी बनता है, ये विनोद जी पूरी बताएंगे हमें, उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल ये आप देख रहे हैं, ये पानी इस पोखर में, इस तालाब में डाल रहे हैं जिनमें वो सीप उत्पन्न करते हैं, सीप का उत्पादन करते हैं। इसको मिक्स कर दिया होता है पूरे पानी में, आप देख रहे हैं मिलाया जा रहा है इसको, ये प्रक्रिया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी विनोद जी से लेंगे ताकि आप भी ऐसा काम कर पाएँ। और इस छोटे से तालाब से आप सालाना लगभग 5 लाख रुपए की आय कर सकते हैं, और इसका पूरा प्रशिक्षण विनोद जी भारती स्वयं देते हैं। 10x5 का ये छोटा सा तालाब बना रखा है इन्होंने, और इसमें लगभग 500 सीप इन्होंने डाल रखे हैं, और प्रत्येक सीप से 2 मोती सालाना निकलते हैं, यानी 1000 मोती उत्पादन करते हैं सालाना 10x5 के इस छोटे से तालाब से विनोद भारती, जो इस समय आप देख रहे हैं अपने कार्य में लगे हैं। अब आप देखेंगे विनोद जी सीप से मोती निकाल कर हमें दिखाएंगे। ये देखिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे सर्जरी की जाती है, क्योंकि एक जीव होता है जो सीप जो होता है, जिंदा जीव होता है जिसमें मोती निकलते हैं, और ये सर्जरी करके इस मोती को निकाला जाता है। और ये प्रक्रिया अब आप देखेंगे विनोद जी किस तरह से करते हैं। ये देखिए, बहुत सारे उपकरण होते हैं इसमें भी, देखिए मछलियाँ भी हैं इस तालाब में, सुंदर सुंदर। ये देखिए, ये सीप जो तैयार सीप हो चुका है, इसमें से मोती निकालने की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं।
बाई गांव का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मोती है, बिल्कुल तैयार मोती आप देख रहे हैं। कई साइज के मोती निकलते हैं, ये देखिए छोटे छोटे मोती, और सर्जरी के माध्यम से इनको आकार दिया जाता है। ये मैं कुछ आकार आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं माताजी की मूर्ति का आकार है, का मोती है ये। ये नेट डाले गए हैं, आप देख रहे हैं लकड़ियाँ हैं, इसके ऊपर जो ये रस्सी आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए जो सीप है वो जाले में डालकर तालाब में डाली जाती है और इससे मोती बनते हैं। देखिए विनोद जी पुनः ये प्रक्रिया हमें दिखा रहे हैं। देखिए ये जितनी लाठियों पर ये देखिए ये नेट निकला है, और प्रत्येक नेट में आप देख रहे हैं ये सीप हैं, और देखिए सीप की चमक देखिए बिल्कुल चांदी जैसी है। ये सारे प्रोडक्ट विनोद जी भारती के हैं, जो उन्होंने अपने ही घर पे इस छोटे से तालाब में तैयार किए हैं। मैं दिखा दूँ ये डिज़ाइन जो सर्जरी से तैयार की जाती है, मूर्तियों का आकार दिया जाता है मूर्तियों को। ये इसी वर्ष का जो उत्पादन है विनोद जी का, जो हमें दिखा रहे हैं। विनोद जी का उत्पाद किया हुआ सबसे बड़ा मोती ये आप देख रहे हैं, वजन करके देख रहे हैं, इसी साल का उत्पादन है ये 67.35 कैरेट का ये मोती है। सबसे भारी ये इनका जो रिकॉर्ड वजन वाला मोती है। नए नए प्रयोग करते हैं मोतियों को लेकर विनोद जी। देखिए ये पूरी प्रयोगशाला वगैरह सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, ये एक तालाब तैयार होने हो रहा है, बारिश के कारण इसका यहाँ पर इस काम को रोका गया है। विनोद जी खुद यहाँ पर मौजूद आप देख रहे हैं, ये देखिए कई तालाब तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल वो अपने घर में ये मोती उत्पादन कर रहे हैं और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और ये जो तालाब तैयार किए जा रहे हैं, इसमें 25,000 मोती सालाना उत्पादन करने की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसका काम इस समय चल रहा है। बिट्टूलापुर कहते हैं इंसान में अगर कुछ करने की क्षमता हो, जज्बा हो, तो वो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पैदा कर सकता है। राजस्थान में मोती उत्पादन करना, ये आप चौंकने वाली बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है और ये कर दिखाया पहली बार राजस्थान किसी में व्यक्ति ने। सीकर जिले में खट्टू श्याम जी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उसके 15 किलोमीटर दूर बाई गांव के विनोद भारती जी ने, जिन्होंने मोतियों का उत्पादन किया 4 साल से, और मैं पूरी जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि विनोद जी ने ये कैसे किया। वैसे मैं जानता हूँ ये पहले इन्होंने कंप्यूटर सेंटर का संचालन किया था, उसके बाद में वो क्षेत्र में उतरे। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मोतियों की खेती करनी चाहिए हमें इस राजस्थान में? नहीं, मेरा तो हमेशा ही चैलेंजिंग जॉब करने का टारगेट रहता है जी, और एक बेरोजगारी की पोजीशन थी, कंप्यूटर सेंटर किया, कंप्यूटर सेंटरों में कोई कमाई हुई नहीं जी, तो उसके बाद में जैसे ही कुछ यूनिक काम करने का लक्ष्य था, कुछ अलग करने का लक्ष्य था, तो हमारे एक ICR में हमारे मित्र साथी थे डॉक्टर शैलेश, तो उनसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि आप कुछ अलग करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो आप आइए देखिए। तो मैं उड़ीसा गया, साउथ इंडिया गया, वहाँ 2-3 जगह और भी मैंने स्टडी करी कि हम कुछ अलग कर सकते हैं राजस्थान के जैसे विपरीत वातावरण में, हम जाके कुछ अलग करना चाहें। तो एक मेरे को स्टडी करने के बाद में एहसास हुआ, ऐसा लगा कि मोती की खेती मैं शायद वहाँ कर सकता हूँ, जबकि एकदम विपरीत वातावरण था मोती की, मतलब जो सीप समुद्र में होती है और वहाँ वो मोती पैदा होता है जो कभी भी राजस्थान में पैदा नहीं हो सकता। फिर भी मैंने ये लक्ष्य किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि मुझे राजस्थान में एक शुष्क वातावरण में मोती की खेती करनी है। तो ये सब लक्ष्य करने के बाद में इसको प्रॉपर मैंने स्टडी करी, देखा, और जो एक जो डॉक्टर सेलेस थे उनसे मैंने प्रशिक्षण लिया, ICR से प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद में जिससे मैंने इस काम को यहाँ पे स्टार्ट किया,
तो सबसे पहले मैं केरल से सीप लेके आया और मुझे लगा कि यदि मैं यहाँ प्रॉपर एक बार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें सक्षम हो जाऊँगा तो फिर इस काम को बड़ा करूँगा। तो 10x5 फीट का एक छोटा सा पौंड बनाया मेरे घर में छोटी सी जगह पे और ये काम मैंने चालू किया। उस छोटे से पौंड को बनाया और छोटे छोटे 4-5 फेरो टैंक लिए सीमेंटेड और उनमें मैंने उनका फूड जो है एलगी वगैरह वो बनाया। खुद ने प्रैक्टिकल किया कि हम यहाँ पर कम खर्चे में कम लागत पर हम खुद ही अपनी मेहनत से इसका भोजन भी तैयार करें कि हमारे यहाँ वातावरण में तैयार हो जाए। तो ऐसा प्रैक्टिकल करते करते मुझे सफलता मिली। मुझे फर्स्ट टाइम जो है बहुत नुकसान हुआ लेकिन मैं इसी हाँ हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल नहीं डगमगाया और फिर नेक्स्ट टाइम नया फिर बेच चालू किया। तो 500 सीप से मैंने स्टार्ट किया था, 500 सीप से फिर 1000 सीप तक पहुंचा। अभी जो स्टार्ट किया मैंने ये मेरा एक डेमो है, उसके अलावा मैंने 2-3 जगह और भी छोटे छोटे पौंड बना रखे हैं लेकिन ये मेरा एक डेमो है जो अभी आपने देखा दिखाया, ये मेरा डेमो है। यहाँ पे मैं प्रशिक्षण वगैरह भी देता हूँ और ये सबसे पहला मेरा पौंड है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था जी। तो इस डेमो से आज मेरे को इस छोटे से पौंड से मेरे को जो सालाना इनकम है 5 लाख के लगभग मेरी है। 3-4 पौंड मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं और इसी लागत से जो छोटी सी लागत से मैंने बड़ी सफलता प्राप्त करी है मेरे जीवन में। तो मैंने ऐसा एहसास किया कि मैं इस काम को बढ़ाऊं। तो इसकी छोटी छोटी जो सेविंग थी बचत थी उस बचत से मैंने एक लक्ष्य तय किया और अभी 5000 वर्ग मीटर का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो आप देखेंगे उसमें मेरे 40x80 फीट का पौंड होगा और 4-5 छोटे बड़े पौंड होंगे, 20x25 फीट के पौंड होंगे, एक बरसात के लिए बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए होगा और 4-5 रूम है भवन तैयार हो रहा है जिसमें लेब होगा, इम्प्लांटेशन रूम होगा, एक ऑफिस होगा और एक गेस्ट रूम रहेगा। और एक विनोद जी, सबसे पहले जब पहला उत्पादन था आपका कितने मोती निकले, आपको कितने मोती मिले और जब उन मोतियों को आपने देखा तो कैसी अनुभूति थी? वो सबसे पहला मेरा उत्पादन जो मात्र 50 मोती थे जी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 500 सीप को मैं लेके आया, स्टार्ट किया जिसमें से मेरे पास करीब 30-40 सीप जिंदा रही और बाकी सब सीपें जो ख़राब हो चुकी थी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वो साल भर तक मेरा जो बड़ा उन पर ऑपरेशन चलता रहा कि हमारे इस विपरीत वातावरण में मुझे कहाँ नुकसान हो रहा है, मुझे कहाँ उससे निपटना है, कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, उसका पानी का pH है, उसका अमोनिया है, मुझे टेस्ट करना है बार बार और किस प्रकार से मेंटेन करना है। वो मैंने साल भर के पूरे प्रयास से मैंने वो सीखा किया तो उसके बाद में जैसे नेक्स्ट बैच में मेरे को 70% सफलता मिली और अभी जो एवरेज ये 70-80% इसमें रहता है रेशियो। लेकिन जैसे 1000 सीप लेके आते हैं हम तो उसमें हमारे को लगभग 700 सीप पे हमारा रिजल्ट आता है, 700 सीप में से 500 सीप पे तो प्रॉपर एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है, 200 सीप में हमारे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है जिसमें मेन टारगेट रहता है कि डिजाइनर मोती हम तैयार करते हैं क्योंकि डिजाइनर मोतियों की ज़्यादा डिमांड रहती है, अच्छी कीमत है और यूनिक आइटम है। इसका पेंडल है, हाथ में अंगूठी वगैरह है, लोग पहनते बनाते करते हैं। तो इसको इसकी सर्जरी कैसे करते हैं, सीप में ही कर देते हैं? हाँ, सीप में हम सर्जरी करते हैं, जो भी हमारे को स्टाइल डिजाइन चाहिए होती है जैसे कि कोई भी धार्मिक चिन्ह होता है, कोई लक्ष्मी जी का है, बालाजी का है, शंकर जी का है, शिव जी का है, या 786 है, मंदिर मस्जिद है, गुरु नानक है, या एनीवन जो भी क्रॉस का निशान है, तो जो भी हम स्टाइल हमारे को चाहिए होती है उसी स्टाइल का हम सर्जरी करेंगे। तो जितना सर्जरी करेंगे उसका हमारे को करीब 1 साल बाद में बराबर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम उसको प्रॉपर वे में देख रहे हैं और उसकी देख रेख कर रहे हैं। हमेशा हर 2-3 दिन से हमारे को पानी जो है वो चेक करना पड़ता है, उसका pH है, अमोनिया है, वो सब देखना पड़ता है। भोजन के लिए इसको सप्लीमेंट्री फूड वगैरह देते हैं और एलगी वगैरह हम खुद बनाते हैं ताकि इसको प्राकृतिक रूप से हम इस प्रॉपर भोजन दे सकें। सीप लाते कहाँ से आप? हम सीप केरल से मंगवाते हैं क्योंकि फिलहाल हमारे यहाँ पे कोई सीप का ऐसा कोई वो नहीं है, तो हम साउथ इंडिया से सीप लेके आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये फिर आपका माल जैसे खुला बिकता है या आप कहीं जयपुर वगैरह में देते भी हो? नहीं नहीं, खुला नहीं है हमारे, तो क्या है कि जैसे पहली बात तो अभी स्थितियाँ ऐसी है ऑनलाइन बिकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये काम का इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, पता नहीं किस क्यों हुआ कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन कलकत्ता और हैदराबाद से मेरे पास कुछ फ़ोन आए जो रत्न व्यापारी थे, तो स्टार्टिंग में जैसे उनसे मेरा संपर्क हुआ तो मैंने उनसे डील किया और उनके माध्यम से मेरा जो ये माल विदेशों तक जाने लग गया। और आज स्थिति ऐसी है कि अभी मेरे पास 5000 मोतियों की तो जो डिजाइनर मोती है उनके बाहर से ऑर्डर है। अच्छा। हाँ, बाहर उनका बाहर माल जाना है सारा, 5000 मोती तो ऐसा है। बिल्कुल।
अच्छा, इस काम को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कुछ और लोगों को बताएं, इनको शुरू किया किसी ने? और हाँ हाँ बिल्कुल, हमने बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दिया है। जो लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए हमने यहाँ सुविधा कर रखी है। 2 दिन तक हम उनको प्रशिक्षण देते हैं और रहना खाना भी होता है, साथ में उनकी कुछ फीस भी होती है, शुल्क भी होता है। तो वो जो भी है, हमारा प्रयास रहता है कि यदि कोई बेरोजगार साथी है, कोई किसान भाई है, एक कम लागत में छोटी सी जगह पर एक अच्छा काम करना चाहे, यूनिक काम करना चाहे, तो वो काम कर सकता है और कम लागत में बड़ा मुनाफा ले सकता है। अच्छा, कितनी लागत हो जाती है 10x10 का अगर तालाब तैयार करके सीप वगैरह लाएं तो उसकी लगभग अनुमानित लागत कितनी होती है? उससे क्या है, 10x10 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे को करीब 1,500 सीप से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि 500 सीप पे काम करना चाहिए फर्स्ट टाइम यदि कोई बंदा काम तो करे। कितना तो इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें? उसमें करीब 40-50 हज़ार रुपये सालाना लागत आती है। हाँ, 40-50 हज़ार रुपये सालाना लागत ऐसे आ जाएगी, क्योंकि आपको ये पौंड बनाना पड़ेगा, फिर सीप लेके आएंगे, सीप का कॉस्टिंग रहेगा, उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सामान रहेगा, उसका सप्लीमेंट्री फूड होगा, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो रहेगी, और उनका न्यूक्लियस वगैरह जो बीज वगैरह है वो रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे साल भर जो काम करना पड़ेगा, तो 10x10 पे आप 1,000 सीप पे काम करना चाहते हो तो साल भर का 50,000 रुपये का आपके खर्चा रहेगा। मैंने एक फोटो देखा था, वसुंधरा जी को आपने एक सीप एक मूर्ति प्रदान की थी, ये कब की तस्वीर थी? एक्चुअली क्या है कि पिछली बार जैसे वसुंधरा जी का कार्यकाल था, हमारी मुख्यमंत्री महोदया थी, तो उन्होंने मेरे को 2 बार, एक तो उदयपुर और एक बार कोटा, जो ग्लोबल एग्रीटेक मीट होता है, किसान मेला, वहाँ पर मेरे को 2 बार बुलाया था, तो मैंने वहाँ डेमो भी दिया था और मोती की खेती के लिए बहुत से किसान भाइयों को, बेरोजगार साथियों को जानकारी दी थी। वहाँ पर मेरे को जब वसुंधरा जी मिली, उन्होंने मेरे से कहा कि गणेश जी का तस्वीर जो है वो मोती है, वो मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल, वो जब पिछली बार उन्होंने बुलाया तो उनको गणेश जी की तस्वीर का मोती मैंने भेंट किया, उनको चांदी से जड़ित मोती था। उसके बाद में अभी गहलोत सरकार जो है, उन्होंने भी जयपुर में एग्रीकल्चर का या हमारा ये जो फेयर हुआ, मेला हुआ, उसमें डेमो लगाने के लिए कहा, तो मैंने वहाँ भी डिपार्टमेंटली तरीके से डेमो लगाया और सीकर में भी डेमो लगाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, बेरोजगार साथियों को मोती की खेती के बारे में जानकारी दी जा सके। तो प्रॉपर वे में जितना मैं भी पॉसिबल होता है उतना मैं सहयोग करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। फिलहाल मेरे पास में जो है राजस्थान से ही नहीं, बल्कि आउट ऑफ राजस्थान भी अदर स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ से भी बहुत से लोग आते हैं ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए, उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आप सुन रहे हैं, बहुत ही जुनूनी व्यक्ति हैं, कंप्यूटर का काम करते थे और उसमें असफल हुए तो उन्होंने लगा कि कुछ यूनिक करना चाहिए, तो इस डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति से इनकी दोस्ती थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रशिक्षण लिया। हिम्मत नहीं हारी, शुरुआत में कुछ असफलता मिली, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनका खुद का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिसमें वो हज़ारों मोती तैयार करेंगे। फिलहाल 1,000 मोती तो सालाना वो अपने घर के इस छोटे से तालाब में तैयार कर रहे हैं। अगर आप इस काम से रुचि रखते हैं तो मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर है विनोद जी के, वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।